सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। कोरोना जब पैर पसार रही थी, तब क्या केंद्र सरकार ने कोविड-19 के जो मरीजों का इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या, देखिए ये रिपोर्ट। बड़वानी के पलवट गांव के सुंदर अलावे नीट की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़े। आयुष्मान कार्ड था लेकिन कहते हैं लाभ नहीं मिला। मंत्री जी से शिकायत की तो दोबारा जवाब जरूर सुनिए। मेरे पास आयुष्मान कार्ड बना है, मैंने स्वयं के खर्चे करीबन 1 से 1.5 लाख तक अपने इलाज में खर्चा किया था, जो कि लोगों से उधार लेकर किया था। मैंने अपने पूरे बिल, जो हॉस्पिटल के बिल थे, वो फाइल में लगाए थे। भोपाल में अजहर के पिता कोरोना से चल बसे। 6 लोगों का परिवार है, अकेले कमाने वाले बचे हैं, लाखों का कर्ज है। कहते हैं आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला। पापा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी एकदम बीच में। उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला इनको कोविड हो गया और आयुष्मान उन्होंने लगाया नहीं, तो हम बहुत परेशान भी हुए उस टाइम। फिर हमने लोगों से इलाज पैसे लेके इलाज करवाया, फिर पापा का इंतकाल भी हो गया और आज हमें लोगों के पैसे भी देना है, हम परेशान हैं कहाँ से देंगे पैसे। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा मिला? जी, आयुष्मान का कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला। कोविड के अलावा भी जो मरीज इस दौरान दूसरी बीमारियों से परेशान रहे, उनमें भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज में काफी कमी आई। बीमार लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें आयुष्मान कार्ड से फायदा नहीं मिला। भोपाल में घरेलू काम करने वाली शबनम के बेटे का पैर जल गया था, मोहम्मद हसीब के पैर का ही ऑपरेशन हुआ, दोनों के लाखों रुपए खर्च हो गए। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला। 20 जनवरी को लड़का जला था मेरा 2 बजे दिन में, जब मैं काम पे ही थी, हम अस्पताल में ले गई, वहाँ भर्ती किया, आयुष्मान वगैरह बताया तो बोले यहाँ चलता नहीं है। और अभी तक सीएम हाउस वगैरह से भी हेल्प मांगी थी, कुछ मिली नहीं। मंत्रियों के घर भी गई तो कुछ नहीं मिला, और अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली कहीं से। कितना खर्च हो गया था इसमें? लग गया था कम से कम 1 लाख के करीब। तो फिर पैसे कैसे कैसे करे आपने? हाँ, मैंने जिनके यहाँ काम करती थी मैं, उन लोगों ने मेरी मदद करी आके। सीएम हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि पीसी शर्मा के घर भी गई तो कोई मदद नहीं मिली, 2-3 बार होके आ गए। जो आयुष्मान कार्ड बना है इसका कुछ फायदा है? नहीं है, कुछ भी नहीं। बोले यहाँ चलता ही नहीं है हमारे यहाँ। जब कार्ड बने थे तो तब बोले थे कि हर जगह चलेगा, इस पे 5 लाख तक का इलाज फ्री है, और जब बच्चे को भर्ती करा तो साफ मना कर दिया। मेरे पेट में मवाद भर गया था बहुत, काफ़ी सारा, तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, तो मैं जब हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके गया तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड तो वैलिड कराई नहीं उन्होंने। 5 लाख की घोषणा, लेकिन 5 रुपये का काम नहीं आयुष्मान। जब आखिरी में जरा सारी चीज़ मेरी सही हो गई थी, जब पूरा मैं नेचुरल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने 15 दिन पहले अप्रूवल दिया सिर्फ 58,000 रुपीज़ का, जबकि 4.5 लाख-3 लाख रुपये मैं लगा चुका था ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोयनका, हु इज द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, कुछ दिनों पहले भोपाल के चिरायु अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अस्पताल का कर्मचारी तीमारदार से बदतमीजी कर रहा था। साफ कह दिया कि वो आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज नहीं करेंगे। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। एंड द रीजन फॉर दैट, क्लोज द वीडियो एंड गेट आउट। ओके, लिसन टू मी, द गवर्नमेंट हैज अ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। सरकारों ने सोशल मीडिया पर फ्री के नाम पर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने पीएमजेएवाई के तहत पैकेज और दरें तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। अब जिन शहरों में आईसीयू बेड के लिए मरीजों को रोजाना हजारों का भुगतान करना पड़ा, वहां कोई सस्ते में बिस्तर आखिर देता भी तो क्यों। महामारी का ये आपातकाल है।